गणतंत्र दिवस के अवसर पर मैं समस्त उज्जैन वासियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं और आने वाला पिछला जो साल हमारा है और पिछले दो साल जितने चुनौतीपूर्ण रहे हैं, मैं आशा करता हूं कि इस गणतंत्र दिवस पर हम सब लोग इन चीज़ों को पीछे छोड़ते हुए वैक्सीनेशन और मास्क के सहयोग से तीसरी लहर का सफलतापूर्वक मुकाबला करेंगे और आगे हम लोग एक स्वस्थ जीवन जिएंगे। जी, मैं अपने संभाग के सभी सम्मानीय नागरिकों को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं, अपने विभाग की तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं और मैं ऐसी अपेक्षा करता हूं कि सभी लोग अपने आप को सुरक्षित रखते हुए, समाज को सुरक्षित रखते हुए प्रगति के पथ पे लगातार अग्रसर होते रहें। मैं जैसा आपको पता ही है कि अभी कोरोना के उसमें चल रहा है, तो मैं अभी सभी नागरिकों से ये भी अपील करूँगा कि सारे गाइडलाइंस का, सारे जो कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर, उसका पालन करें ताकि जल्द से जल्द हम लोग इस उससे बाहर निकल सकें गंभीर विषय से और एक सामान्य उसको रिस्टोर कर सकें। उज्जैन वासियों को मेरी ओर से गणतंत्र दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। जैसा आप सब समझते हैं कि अभी कोविड की परिस्थितियां चल रही हैं और तीसरी लहर लगभग अपने पीक की ओर है, सभी लोगों से मेरा इस गणतंत्र दिवस पर अनुरोध यह रहेगा कि कोविड के जो गाइडलाइन है उसका पालन करें, स्वयं सुरक्षित रहें और समाज को भी सुरक्षित। शहर की हमारी जनता को, मध्य प्रदेश की जनता को और भारत की जनता को इस राष्ट्रीय पर्व पर मैं हार्दिक अभिनंदन भी करती हूँ और बधाई भी देती हूँ। और सभी मेरे शहरवासियों से निवेदन है कि कोरोना की तीसरी लहर वापस आ गई है, तो कृपया प्लीज़ आप मास्क लगाकर ही घर से निकलें, अपने और अपने परिवार का साथ शहर का भी बचाव करें। श्री विजय कंस्ट्रक्शन एंड बिल्डर्स की ओर से गणतंत्र दिवस की शहरवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं। यह थी शहर की प्रमुख गतिविधियां। इस अंक में फिलहाल इतना ही, अगला अंक में फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।